अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इन दोनों को, इस टॉपिक को एक कंपैरिजन चार्ट में बांटा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। सिंपली वर्ब्स दैट पास ओवर एन एक्शन। तो ये अगर पास ओवर करते ही एक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो पास ओवर नहीं करते, डू नॉट पास ओवर एन एक्शन। सेकंड चीज इनको समझने के लिए ये है कि डिमांड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और ये डू नॉट डिमांड एन ऑब्जेक्ट। सेकंड चीज इनको समझने के लिए। थर्ड चीज के ट्रांजिटिव वर्ब्स में, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स में अगर इनको ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट ना दें तो कंप्लीट सेंस ना निकले। तो आइए इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के हम एग्जांपल देखें कि प्लीज ब्रिंग कॉफ़ी। अब ये सेंटेंस आप देखें, इस पर गौर करें, प्लीज़ ड्रिंक कॉफ़ी, ये ब्रिंग वर्ब है, तो प्लीज़ ब्रिंग क्या लाएं, प्लीज़ ब्रिंग क्या, मतलब सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, ये इसको क्या चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट हमने इसमें कॉफ़ी दिया, तो इट डिमांडेड एन ऑब्जेक्ट अपने सेंस को कम्प्लीट करने के लिए। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, सवेरा ब्रोक हर फोन, सवेरा ब्रोक हर फोन। अब ये ब्रोक जो है ये वर्ब है और इसको चाहिए किस, क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए इन आर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हर फोन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन से हैं, ये कौन से वर्ब्स हैं, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। और तीसरा आपको समझाने के लिए अगर तीसरा एग्जाम्पल भी मैं दूँ इजी करने के लिए, मैं लिखूं के सेजल लव्स नॉवेल्स। अब ये सेंटेंस, सेजल लव्स नॉवेल्स, ये लव क्या है, लव एक वर्ब है, सेजल लव्स क्या प्यार करती है, सेजल लव्स पेट, सेजल लव्स बर्ड्स और सेजल लव्स नॉवेल्स। तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए इन आर्डर टू कंप्लीट द सेंस। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा एक डिमांड करता है ऑब्जेक्ट, और इसका जो है ना एक्शन पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ जब पास ओवर होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फिर आप इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ चले आएँ। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में मैं एक चीज़ लिखूँ कि नगीन क्राइड, नगीन क्राइड, तो ये वर्ब है, तो स्टिल इसका सेंस कंप्लीट हो जाता है कि नगीन रोई। दूसरा दूं अगर मैं कि म्यूजिक वाज प्लेड, तो म्यूजिक वाज प्लेड, तो इट डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट बट ये सेंस कंप्लीट कर रहा है। आर दे जंप, उन्होंने जंप लगाई, तो ये एक आप कहें के लें कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और ये सेंस कंप्लीट कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको उसके यूज़ पे हम ट्रांजिटिव